हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मेकिंग सेंटेंस इज लाइक कुकिंग फूड। सेंटेंस बनाना खाना पकाने की तरह है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द इंग्रेडिएंट्स एंड कॉन्डिमेंट्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके मसाले हैं। यूजिंग द राइट इंग्रेडिएंट्स मेक द फूड टेस्टी। अगर सही मसाले सही मात्रा में डाले जाए तो खाना जो है टेस्टी बनता है। इन द सेम वे यूजिंग प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच एट द राइट प्लेस मेक द सेंटेंस इम्प्रेसिव। अगर सही पार्ट्स ऑफ स्पीच सही जगह पे लगाए जाए तो सेंटेंस जो है असरदार बनता है। आइए देखते हैं कौन से हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस बनाने के मसाले। पहला है नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा वर्ब क्रिया, चौथा एडजेक्टिव विशेषण, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा प्रपोजिशन संबंध सूचक, सातवां कंजक्शंस संयोजक, आठवां इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक। लेट अस लर्न दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल्स। चलो इनको एग्जाम्पल्स के जरिए सीखते हैं। राम इज ए गुड बॉय बट ही डजेंट गो टू स्कूल रेगुलरली। राम एक अच्छा लड़का है लेकिन वो स्कूल नियमित नहीं जाता है। वाओ, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। वाओ, कितनी अच्छी ड्रेस है। शी बिहेव्स नाइसली इन द क्लास। वो क्लास में अच्छा व्यवहार करती है। यूजिंग दिस सेंटेंसेस वी शैल लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग सीखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी मनुष्य का नाम, जानवर, जगह और वस्तु को हम लोग नाउन कहते हैं। एंड ऑल्सो द स्टेट ऑफ ए पर्सन, यानी कि उसकी अवस्था क्या है, बचपना है, बुढ़ापा है, जवानी है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कलेक्टिव नाउन्स। समूहवाचक संज्ञा के लिए भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राम, इंडिया, बॉय, मैन, स्कूल, होम, ऑनेस्ट, विजडम, बैंड, बंच एक्सेट्रा। अभी सेंटेंसेस में देखिए। राम इज ए गुड बॉय बट ही डजेंट गो टू स्कूल रेगुलरली। इसमें सबसे पहले जो राम है वो प्रॉपर नाउन है, तो राम। उसके बाद आता है बॉय, लड़का। ये दोनों जो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है। फिर आता है स्कूल। स्कूल जो है ये प्लेस है। सेकेंड सेंटेंस में वाओ, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहां पे एक ही नाउन है और वो है ड्रेस, वो वस्तु है। थर्ड सेंटेंस में सुनीता बिहेव्स नाइसली इन द क्लास। तो सुनीता प्रॉपर नाउन है और क्लास जो है वो प्लेस है। अब देखते हैं प्रोनाउन का उपयोग। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, स्पेशली जब इट अवॉइड्स रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन को रिपीट होने से बचाता है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो अब सेंटेंस में राम इज ए गुड बॉय बट ही कौन है? राम। तो ये सर्वनाम है। सेकंड में वाओ, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। इट किसी चीज की जगह के लिए उपयोग किया गया है, ड्रेस के लिए उपयोग किया गया है, तो इट। थर्ड सेंटेंस में सुनीता बिहेव्स नाइसली इन द क्लास।
इसमें कोई भी सर्वनाम नहीं है। आगे है वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। इट इज एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड है, इसमें एक्शन होता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। जैसे कि ईट, स्लीप, ड्रिंक, प्ले, सिंग, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आइए देखते हैं, एक सेंटेंस में एक वर्ब होना चाहिए। पहला सेंटेंस जो है वो दो सेंटेंसेस को लेकर बनाया गया है। राम इज ए गुड बॉय एक सेंटेंस है, ही डजंट गो टू स्कूल रेगुलरली दो सेंटेंस है। तो कम से कम उसमें दो वर्ब होने चाहिए। पहला वर्ब है हमारा इज। जहां पर मेन क्रिया नहीं होती है वहां पर सहायक क्रिया जो है मेन क्रिया का रूप ले लेती है। तो इज यहाँ पे मेन क्रिया है। ही डजेंट गो टू स्कूल रेगुलरली, गो यानी कि जाना, ये यहाँ पे क्रिया है। एंड डजेंट गो नहीं जाना, ये सहायक क्रिया के साथ में है। सेकेंड सेंटेंस में वाव इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे इज ने फिर मेन क्रिया का रूप ले लिया है। थर्ड सेंटेंस में सुनीता बिहेव्स नाइसली इन द क्लास, बिहेव यानी कि आचरण करना, ये एक एक्शन वर्ड है, तो बिहेव्स। आगे है एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और फर्दर डिफाइंस ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो नाम और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गुड, स्मॉल, रेड, स्मार्ट, सम, मैनी एक्सेट्रा। राम इज ए गुड बॉय, वो राम की विशेषता बता रहा है, अच्छा लड़का है, तो गुड। बट ही डजेंट गो टू स्कूल रेगुलरली, और कोई विशेषण नहीं है। वाओ इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, कैसी ड्रेस है, ब्यूटीफुल है, ड्रेस की विशेषता। सुनीता बिहेव्स नाइसली इन द क्लास, यहाँ पे सुनीता की कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। अब हम सीखेंगे एडवर्ब, ए वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब एक्सप्रेसिंग मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। एक वर्ड जो विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा अधिक बताता है, फिर किस तरीके से मैनर, कहाँ पे प्लेस, किस समय टाइम, फ्रीक्वेंसी कितनी बार और डिग्री किस हद तक, इस बारे में बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल जेंटली, हियर, नाउ, वेरी एटसेट्रा। एग्जाम्पल पे आइए, राम इज ए गुड बॉय बट ही डजेंट गो टू स्कूल रेगुलरली, ये रेगुलरली बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो रेगुलर नहीं जाता है, तो ये है हमारा एडवर्ब। वाओ इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, वेरी जो है ये डिग्री बता रहे हैं, किस हद तक, बहुत। सुनीता बिहेव्स नाइसली इन द क्लास, ये मैनर है, किस तरीके से बिहेव करती है वो, नाइसली। तो ये थे हमारे एडवर्ब। अब सीखते हैं हम प्रेपोजिशन, संबंध सूचक। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेज और अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। साधारण भाषा में हम कहें तो प्रेपोजिशन जो है वो प्रेपोजिशन बताता है, ऊपर है, अंदर है, बाहर है, नीचे है, जैसे इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, एट, एटसेट्रा, ये जो है पोजीशन बताते हैं। अब यहां पे राम इज ए गुड बॉय बट ही डजेंट गो टू स्कूल, स्कूल को, किस तरफ, स्कूल, तो टू जो है प्रेपोजिशन है। वाओ इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। सुनीता बिहेव्स नाइसली इन द क्लास, क्लास में, ये पोजीशन बताता है, तो इन। तो यहां पे हमारे एक एक प्रेपोजिशन है फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। अब हम सीखेंगे कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि संयोजक।
A word used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. कंजक्शन का मतलब होता है जो दो कंप्लीट वर्ड या दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहा जाता है, संयोजक। तो एग्जांपल्स हैं एंड, येट और इफ। अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, बट ही डजंट गो टू स्कूल रेगुलरली। तो दो सेंटेंसेस है, राम इज ए गुड बॉय और ही डजंट गो टू स्कूल। इसको जोड़ने वाला जो है बट, तो ये कंजक्शन है। वाओ, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, कोई संयोजक नहीं है। सुनीता बिहेव्स नाइसली इन द क्लास, इसमें भी कोई संयोजक नहीं। और हमारा अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक। एन इंटरजेक्शन शोज द इमोशन और फीलिंग। एन एब्रप्ट रिमार्क एन एक्सक्लेमेशन, एक अचानक फीलिंग को कहा जाता है इंटरजेक्शन। जैसे कि हम कहते हैं वाओ, ब्रेवो, हा, एलास। एलास जो है दुख का वर्ड। तो पहले सेंटेंस में ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं है, सेकेंड सेंटेंस में स्टार्टिंग में एक फीलिंग है, वाओ इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये वाओ जो है इंटरजेक्शन है। थर्ड सेंटेंस में भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तो थर्ड सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन नहीं है। ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने अलग अलग रूप से सीखे। इसमें कुछ बच गया है, जैसे पहले सेंटेंस में अ, सेकंड सेंटेंस में अ और थर्ड सेंटेंस में द। अगर ये यहां पे है और सेंटेंस बनाने में काम आ रहे हैं तो इनका भी कोई मतलब होना चाहिए, तो इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स। अ, एन और द, ये है हमारे 3 आर्टिकल्स, इनके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो इंतजार कीजिए मेरे आने वाले वीडियोस का। अगर मेरे इस वीडियो से आपको फायदा होता हो तो इसे लाइक कर देना। नीचे राइट साइड पर सब्सक्राइब है, वहां पर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल शेप बटन आएगा, उस पर क्लिक करना। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।